बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एरर एंड अनसर्टेनिटी, यानी कि डिफरेंशिएट बिटवीन एरर एंड अनसर्टेनिटी। एरर और अनसर्टेनिटी के दरमियान हम डिफरेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एरर, एरर जो है ये एक ऐसा वर्ड है कि अक्सर औकात बार बार आपका फिजिक्स में इस वर्ड से जो है वो वास्ता पड़ता है। तो आइए सबसे पहले इस एरर को क्लियर करते हैं। एरर जो है वो बेसिकली क्या होता है कि एरर गलती को कहा जाता है। सबसे पहले हम एरर को डिफाइन करते हैं, यानी कि एरर के अगर सबसे पहले एरर के अगर हम मीनिंग देखें तो एरर जो है इसको कहा जाता है एरर गलती को, जिसको उर्दू में आप गलती भी कहते हैं। एरर का मतलब है गलती, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं कि हमारे पास जो किसी भी चीज़ की हम अगर एग्जैक्ट वेट मेजर एग्जैक्ट मास मेजर करते हैं तो उसकी जो वैल्यू आती है हमारे पास वो कंसिडर कर लें कि 8.00 kg आती है। लेकिन यही वैल्यू अगर मैं किसी और इंस्ट्रूमेंट से मेजर करता हूं तो ये वैल्यू आ जाती है 81.00 kg। अब मार्केट वैल्यू और मेजर वैल्यू इन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है कितना है, 1 kg का, तो असल में यही एरर है। तो एरर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो एरर डिफरेंशिएट बिटवीन मार्केट वैल्यू एंड मेजर वैल्यू, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस को एरर कहा जाता है। अब एरर आने के कॉजेज क्या होते हैं, हम इसको देखते हैं। Causes of errors, नंबर वन पे आ जाता है नेग्लिजेंस, और इनएक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन, यानी कि पहली जो है इसकी पहला इसका कॉज यह है कि नेग्लिजेंस और इनएक्सपीरियंस ऑफ ए पर्सन, यानी कि जो पर्सन है इसकी इंस्ट्रूमेंट मेजर कर इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट कर रहा है उसकी लापरवाही या इनएक्सपीरियंस की वजह से जो है एरर हो सकता है, एरर आ सकता है। नंबर टू पे कह रहा है कि फॉल्टी ऑपरेटर्स, यानी कि दूसरी इसकी वजह यह है कि अगर ऑपरेटर्स में कोई ना कोई नक्स है, फॉल्ट है, तो उसकी वजह से भी एरर आने के इम्कान होते हैं। नंबर थ्री आ जाता है ड्यू टू इन अप्रोप्रिएट ऑफ मेथड, ठीक है। इन अप्रोप्रिएट का मतलब है कि अगर आपने कोई ऐसा मेथड अपनाया जो कि मुनासिब नहीं है, तो ऐसे मेथड ऐसे तरीक़ेकार की वजह से अगर आप वैल्यू मेजर कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी इसमें एरर आने के इम्कान होते हैं, यानी कि एरर आता है। तो ये तीनों जो पॉइंट है ये तीनों कॉजेज ऑफ एरर कहलाते हैं। तो अगर इस इनमें देखी जाए तो कहीं ना कहीं इनमें एक चीज़ कॉमन आ रही है, क्योंकि इसमें जो एरर प्रोड्यूस हो रहा है, एरर जो आ रहा है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस एरर का तल्लक इंसान से है। कैसे? नंबर वन आप देखें नेग्लिजेंस या इनएक्सपीरियंस, क्योंकि लापरवाही या इनएक्सपीरियंस की वजह से अगर एरर आ रहा है तो ये भी इंसान की गलती की वजह से आ रहा है। फॉल्टी ऑपरेटर से ये भी इंसान का बनाया हुआ है, तो इसलिए इस गलती का तल्लक भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से इंसान से ही रिलेट करता है। नंबर थ्री पे आ जाता है ड्यू टू इन अप्रोप्रिशिएट ऑफ मेथड, यानी कि अगर मेजर करने वाले बंदे का मेथड जो है वो मुनासिब नहीं है तो उस वजह से भी एरर आ सकता है। तो इसलिए हम एरर को एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं,
एक और तरीके से भी हम देख सकते हैं कि एरर जो है ये उस वक्त प्रोड्यूस होता है कि इसका जो ताल्लुक है ये इंसान से है, ये इंसान की किसी ना किसी गलती की वजह से एरर प्रोड्यूस होता है। लेकिन कुछ एरर ऐसे भी हैं जिनका ताल्लुक इंसान से नहीं होता, उस उनको हम कहते हैं अनसर्टेनिटी। तो अब हम इसको स्टडी करते हैं, अब हम देखते हैं अनसर्टेनिटी। तो इसका मतलब है गैर यकीनियत, यानी कि गैर यकीनियत, यानी कि ये एक ऐसा एरर है जो कि हमेशा बाय नेचर प्रोड्यूस होता है, इनके इसमें इसका जो ताल्लुक होता है वो इंसान से नहीं होता। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक घड़ी का टाइम नोट कर रहे हैं और टाइम नोट करके आप किसी को बता रहे हैं, यानी कि अगर आपसे कोई टाइम पूछता है तो आप एग्जैक्ट टाइम उस लम्हे जो चल रहा है वो एग्जैक्ट टाइम आप नहीं बता सकते, ठीक है। यानी कि इसमें यह होता है कि जितनी देर में आप टाइम देख के दूसरे बंदे को बताएंगे उतनी देर में 1-2 सेकंड जो है वो गुजर चुके होंगे, तो इसलिए एग्जैक्ट टाइम उस लम्हे जो चल रहा है वो आप कभी भी बता नहीं सकते। इवन कि अगर आप दूसरे बंदे को कहें कि वो खुद देख ले टाइम, तो उतनी देर में जितनी देर में वो जो है टाइम देखेगा तो रोशनी जितनी देर तक टाइम से टकरा के उसकी आंखों में जाएगी तो उतनी देर में 1 नैनोसेकंड का टाइम जो है वो गुजर चुका होगा। तो इसलिए यहाँ भी कुछ ना कुछ जो है वो डिले हो रहा है, तो इसलिए जो उस लम्हे एग्जैक्ट टाइम चल रहा है वो उस लम्हे का एग्जैक्ट टाइम हम नहीं बता सकते। तो इस तरह की जो गलती है इसको इम्प्रूव जो है वो करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। ऐसी गलती को कहते हैं अनसर्टेनिटी। अब इसके हम कॉजेज़ देखे हैं, कॉजेज ऑफ अनसर्टेनिटी। नंबर 1, तो लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट से मुराद ये है कि अगर हम इस पेंसिल की लेंथ जो है वो मेजर कर रहे हैं स्केल की मदद से, तो क्योंकि हर इंस्ट्रूमेंट की एक लिमिट होती है, उस लिमिट से ज़्यादा एग्जैक्ट वैल्यू, उस लिमिट से ज़्यादा छोटी वैल्यू वो मेजर नहीं कर सकता। अब इसकी जो लेंथ है वो हमारे पास कंसिडर कर लें कि हम यहाँ से अगर शुरू करते हैं तो इधर से लेकर इधर तक ये तकरीबन इसकी वैल्यू जो बन रही है वो 10 और 10.1 इन दोनों पॉइंट के दरमियान आ रही है, ठीक है। या तो आप 10.1 बताएंगे या फिर आप 10 बताएंगे, तो ये दोनों ही एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। लेकिन आप अगर इससे मज़ीद छोटी वैल्यू मेजर करना चाहते हैं तो ये जो स्केल है इससे छोटी वैल्यू आपको नहीं दे सकता। हाँ, ये अगर इसको आप इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इससे भी ज़्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो इसलिए हर इंस्ट्रूमेंट की एक लिमिट होती है, उस लिमिट से ज़्यादा एग्जैक्ट वैल्यू वो इंस्ट्रूमेंट नहीं बता सकता। नंबर 2 पर आ जाती है इनपरफेक्शंस। नंबर 2, इनपरफेक्शन ऑफ ह्यूमन सेंसेस, यानी कि आप कोई भी चीज़ जो है वो सेंस कर रहे हैं, उसको जजमेंट कर रहे हैं, तो आप उस चीज़ को एग्जैक्ट तरीके से जो है वो मेजर नहीं कर सकते। जैसे आप देखें कि अगर लाइट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रही है, या फिर अगर आप पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम की वाइब्रेशन जो है वो मेजर करना कर रहे हैं, तो जितनी देर में, अब देखें कि सिंपल पेंडुलम की जो डायग्राम है आपके पास है, वो कुछ यूँ है। अगर आपके पास ये पेंडुलम है, ये बॉब है, अब एक स्टॉपवॉच है आपके पास, उस स्टॉपवॉच की मदद से आप क्या करेंगे कि इसे सिंपल पेंडुलम की जो है वो टाइम नोट करेंगे, ठीक है। तो जैसे ये सिंपल पेंडुलम इस पोजीशन ए से इधर से जब जैसे ही आप छोड़ते हैं तो उसी वक्त आप इसको इसका जो बटन है वो प्रेस करते हैं, और जो ही ये पॉइंट बी से इस तरह हो के, पॉइंट बी यहाँ से हो के ये वापस ए के ऊपर आता है, तो आप जो है वो स्टॉपवॉच को स्टॉप करते हैं, ठीक है। तो ये स्टॉपवॉच जो है इसको स्टॉप करते वक्त या तो आप थोड़ा सा जल्दी कर जाएंगे या फिर आप थोड़ा सा डिले कर जाएंगे, यानी कि एग्जैक्ट उस टाइम जिस टाइम सिंपल पेंडुलम स्टॉप कर रहा है, एग्जैक्ट उस टाइम जो है वो आप स्टॉपवॉच को स्टॉप नहीं कर सकते, यानी कि आप इतना सेंस नहीं कर सकते
ये सिंपल पेंडुलम जो है वो एग्जैक्ट किस टाइम उसने स्टॉप की है। तो इस तरह की जो गलती है उसको भी, ये भी इस तरह की जो गलती है उसको भी हम अनसर्टेनिटी कहते हैं, इनपरफेक्शन ऑफ ह्यूमन सेंसेस। नंबर थ्री पे आ जाता है वेरिएशन इन नेचुरल प्रोसेस। वेरिएशन इन नेचुरल प्रोसेस, ठीक है। नेचुरल प्रोसेस यानी कि जो कुदरती वाक़यात होते हैं, यानी कुदरती प्रोसेस होते हैं, ठीक है, उनमें जो चेंजिंग हो रही होती है उसको भी आप जजमेंट नहीं कर सकते, यानी कि सेंस नहीं कर सकते। वेरिएशन इन नेचुरल प्रोसेस, जैसे आपको पहले भी एग्जांपल दिया है कि जैसे टाइम का चलना, कि एग्जैक्ट उस लम्हे जिस लम्हे आप टाइम मेजर करना चाहते हैं उस लम्हे, क्योंकि मेजरमेंट करते थोड़ा सा टाइम जो है वो गुजर जाता है, ठीक है ना। इस तरह लाइट एक जगह से दूसरी जगह जाती है, ठीक है, तो इसमें भी कुछ टाइम लगता है। तो इस तरह की जो प्रोसेस है इनमें जो वेरिएशन है उसको आप सेंस नहीं कर सकते। तो ये तीनों कॉजेज है अनसर्टेनिटी के, लिमिटेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, इनपरफेक्शन ऑफ ह्यूमन सेंसेस एंड वेरिएशन ऑफ वेरिएशन इन नेचुरल प्रोसेस। ये तीनों कॉजेज है अनसर्टेनिटी के। तो ये था अनसर्टेनिटी और ये था एरर्स। तो दोबारा से मैं आपको इनके दरमियान डिफरेंस बताता चलूं कि एरर जो है ये कहीं ना कहीं इसका तल्लुक इंसान से होता है, ये इंसान की किसी ना किसी गलती की वजह से वाकया होता है, जबकि अनसर्टेनिटी है इसका जो ताल्लुक है ये इंसान से नहीं है बल्कि ये बाय नेचर होती है, ठीक है। लेकिन इसको ये है कि इम्प्रूव किया जा सकता है लेकिन मुश्किल से, ठीक है, इसका तल्लुक जो है वो इंसान से नहीं है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, डिफरेंशिएट बिटवीन एरर एंड अनसर्टेनिटी।